श्याम के कुछ लड़के हैं वो साथ में ही पढ़ते थे, तो उसी टाइम से इनकी काया सुनी है। तो अब बाकी प्रचादा जोड़ने के बाद तब 30 मिनट हॉस्पिटल में गए, उसकी बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर ने उसको अनफिट पानीपत में युवक की चाकू घोप कर हत्या करने के मामले में अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आपको बता दें कि कुछ युवकों ने चाकू घोप कर युवक की हत्या कर दी और उसके भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को छोटे भाई के झगड़े के समझौते के लिए दूसरे गांव बुलाया गया था। यहां पर आरोपी दोनों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार तक कर दिए गए। बाद में हमलावर उन्हें खून से लथपथ हालत में छोड़कर फरार हो गए थे। दोनों भाइयों को स्थानीय लोगों व परिचितों द्वारा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक युवक की हालत ज्यादा नाजुक होने के चलते उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहाँ सुबह युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक सिविल अस्पताल में उपचाराधीन है, उसकी जांग में भी चाकू आर पार हुआ है। कुछ नहीं, उन्होंने फोन करके बुलाए थे, उन्होंने को समझौता कर लो, तो उन्होंने फिर गांधे सर हमारे मार पीट चालू कर दी। बालक से देखे थे हम, उनके माँ बाबू भी लग गए वहाँ। हाँ उड़ीसा, हाँ पलम हो गया था। कुछ नहीं, बस बातचीत सी हुई थी पलम तो। हाँ कहिया सुनी होगी थी। हाँ तो फिर उन्होंने गांधे सर उड़म आता। हाँ मैर मेरा भाई था। हाँ तलवार था मार रहा था। दो 15-20 जने थे तो बुढ़ी शाम पे वो चपैट चपैट के पास है, तनकड़े चपैट के पास। हाँ कोई नहीं आ अक्षय जी, 23-24 जी। कुछ नहीं जी, नहीं बस बातचीत हो रही थी जी, सुन। हाँ जी भाई, नाम तेरा मोहित था, सन्नी था, निशान था, शिव था, वो जी सावन था, ऐसा क्या भाई नाम याद नहीं मेरे मेरा पवन है भाई मेरा। मेरे तो यार सातल पर लग गया तलवार, मार आर पार हो गया, लठ मार रखे कमर पर। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अक्षय, जिसकी उम्र 23 साल है, वो गांव खलीला का रहने वाला है। उसका भाई राहुल है, जो कि सिविल अस्पताल में उपचाराधीन है। दोनों भाइयों पर गांव बुढ़श्याम में करीब 5 से ज्यादा लोगों द्वारा हमला किया गया। आरोपी युवक बुढ़श्याम और नारायणा के हैं। बुढ़श्याम गांव में एक झगड़ा हो गया है, तो उस दौरान हम हॉस्पिटल में गए, उसकी बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर ने उसको अनफिट तहरीर कर दिया था। जो सुबह उसका मैसेज आया हॉस्पिटल से कि वो लड़का अक्षय नाम का जो लड़का है वो एक्सपायर हो गया, तो उन्होंने दरखास्त दी, उस पर अगली कार्रवाई चल रही है। मामला क्या था सर? मामला ये जो पवन है और ये बुढ़श्याम के कुछ लड़के हैं वो साथ में ही पढ़ते थे, तो उसी टाइम से इनकी काया सुनी है। तो अब बाकी प्रचादा जोड़ने के बाद 23 में जो सामने आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। सर इसमें गिरफ्तारी वगैरह कुछ अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो पोस्टमार्टम करवाने के कागज तैयार होने लग रहे हैं और दरखास्त आने के बाद पर्चा दर्ज करके अगली कार्रवाई करेंगे। एक गंभीर भी हुआ सर? हाँ, इसमें दोनों भाई हैं अक्षय और पवन। अक्षय एक्सपायर हो गया है, पवन को चोटें लगी हैं। घायल राहुल ने बताया कि वो 3 भाई हैं, जिसमें सबसे बड़ा भाई अक्षय था, जो कि बिजली का काम करता था। सबसे छोटा वो खुद है, वो पढ़ाई करती हैं, जबकि सबसे छोटा भाई हर्ष है, जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ता है। उसका एग्जाम सेंटर नामुंडा गांव में है। करीब 10 दिन पहले यहां परीक्षा के दौरान अन्य छात्र सन्नी के साथ कहासुनी हो गई थी। कहासुनी का समझौता करने के लिए इन दोनों को गाँव बुढ़श्याम में बुलाया गया था, जहाँ सत्यवान, मोहित, सन्नी समेत 8 महिलाओं व अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया। मामले का पता लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों की पहचान न होने की स्थिति में पुलिस की 5 टीमें कार्रवाई में जुट गई हैं। पुलिस की तीनों सीआईए यूनिट समेत मालखा थाना पुलिस और साइबर टीम जांच में जुटी है। हर टीम अपने अपने स्तर पर आरोपियों की पहचान कर उसे पकड़ने के प्रयास में लग गई है, लेकिन अभी तक युवक के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।